आखिरकार ईद आ गई है और बॉलीवुड प्रशंसक मुंबई में अपने पसंदीदा सुपरस्टार के घरों पर उमड़ पड़े हैं। गुरुवार को फैंस ईद के अवसर पर अपने पसंदीदा अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर उमड़ पड़े। अब सलमान के घर के बाहर का वीडियो सामने आया है। सलमान के फैंस बांद्रा में उनके घर के बाहर भारी संख्या में जमा हुए, जिस वजह से यातायात बाधित हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। विभिन्न शहरों से आए सलमान खान के प्रशंसक ईद की शुभकामनाएं देने के लिए उनके मुंबई आवास पर कतार में खड़े थे। उन्हें देखने के लिए काफी देर तक इंतजार करते रहे। अभिनेता की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर खड़े फैंस की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी। अधिकारियों को व्यापक सुरक्षा के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। बांद्रा से सामने आए वीडियो में एक पुलिस वालों को लोगों पर लाठियों से हमला करते हुए देखा गया, जो घटनास्थल से भागने की कोशिश कर रहे थे। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। हालांकि पुलिस ने भीड़ पर काबू पाते हुए यातायात के लिए रास्ता खुलवाया। ईद पर सलमान पहले ही अपनी फैंस को खास तोहफा दे चुके हैं, जो है उनकी अगली फिल्म की घोषणा। सलमान खान अपने फैंस के लिए ईद को खास बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इससे पहले आज सलमान ने अपनी नई फिल्म सिकंदर की घोषणा की, जिसका निर्देशन AR मुरुगाओस ने किया है। इंस्टाग्राम पर फिल्म के शीर्षक का खुलासा करते हुए सलमान ने लिखा, इस ईद बड़े मियां छोटे मियां और मैदान को देखो और अगली ईद सिकंदर से आकर मिलो। सभी को ईद मुबारक। इस अपडेट के साथ सलमान ने एक बार फिर फैंस को ईद का बेहतरीन तोहफा दिया है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा समर्थित और मुरुगाओस द्वारा निर्देशित ये फिल्म ईद 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। If you like this video, please like and subscribe our channel. Thanks for watching Samagram.